इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको दाब का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो गया होगा। फ्रांसीसी वैज्ञानिक बेल्जी पास्कल ने तरल दाब के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए और अपने गहन अध्ययन के बाद उन्होंने इस दाब के ऊपर एक नियम प्रतिपादित किया और इस नियम को हम पास्कल के नियम के नाम से जानते हैं। पास्कल के अनुसार यदि कोई भी संतुलित द्रव है, यानी कि वो द्रव शांत अवस्था में है, या यूं कहें कि वो द्रव यदि बंद है, यदि द्रव बंद होगा तो उस पर बाहरी बल काम नहीं कर रहे होंगे और यूं कह सकते हैं कि वो द्रव संतुलन की स्थिति में होगा। ऐसे स्थिति में यदि उस बंद द्रव पर बल आरोपित किया जाता है तो ये बल सभी बिंदुओं पर, उस तरल के अंदर जितने भी बिंदु हैं उस पर समान रूप से संचरित होता है। तो आइए देखते हैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ कैसा है। इसके लिए हमने एक संतुलित द्रव लिया है और इस द्रव के अंदर हमने दो बिंदु कंसिडर किए हैं, एक्स और वाई। ये दोनों ही अलग अलग ऊंचाई पर है इस द्रव की सतह से देखें। अब इस पर यदि हमको दाब कैलकुलेट करना है तो जैसा कि हम जानते हैं दाब के फॉर्मूले के अनुसार ये बल अपॉन क्षेत्रफल होता है। तो इसके चारों ओर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं जिसको हम ए से दर्शाएंगे, ऐसे ही वाई के चारों ओर भी लेते हैं और एक बेलन की कल्पना करते हैं जिसका अक्ष ये एक्स वाई होगा। इस एक्स बिंदु पर मान लीजिए दाब को हम पी वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर जो फोर्स होगा मान लीजिए उसे हम एफ वन से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो पी वन बराबर होगा एफ वन अपॉन ए, और यहाँ से हम देखें तो एफ वन बराबर हो जाएगा पी वन इंटू ए। अब वैसे ही हम वाई बिंदु पर द्रव का दाब देखते हैं। मान लीजिए इस वाई बिंदु पर दाब पी टू है और यहाँ पर जो बल है उसे हम एफ टू ले रहे हैं, तो पी टू बराबर होगा एफ टू अपॉन ए और यहाँ से एफ टू बराबर हो जाएगा पी टू इंटू ए। अब ये द्रव संतुलित अवस्था में है और द्रव यदि संतुलन की अवस्था में होता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर बल एक समान होता है, यानी वो चाहे एक्स बिंदु हो या वाई बिंदु हो इन दोनों बिंदुओं पर बल का मान एक समान होगा। तो हम एफ वन बराबर एफ टू लिख सकते हैं और यहाँ पर एफ वन और एफ टू का मान हम रखें तो ये होगा पी वन इंटू ए इक्वल टू पी टू इंटू ए। दोनों पक्षों से ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो पी वन बराबर पी टू मिलेगा, यानी कि यदि द्रव संतुलन की अवस्था में हो और उस पर कोई दाब आरोपित किया जाता है तो वो सभी बिंदुओं पर एक समान रूप से संचरित होता है। तो बच्चों अभी जो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया उसके आधार पर हमने पास्कल के नियम को सत्यापित किया। तो चलिए इसे एक एक्टिविटी द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार यदि हम दाब आरोपित करते हैं किसी बंद द्रव पर तो वो एक समान रूप से संचरित होता है। इसके लिए बच्चों हमने ये विशेष आकृति का फ्लास्क लिया है। आकृति तो इसकी राउंड ही है लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे ट्यूब्स इसमें से जुड़े हुए हैं। शायद आपने ऐसा वाला फ्लास्क का देखा भी नहीं होगा, पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम इस प्रकार के फ्लास्क को ले सकते हैं। अब इस फ्लास्क के अंदर जब द्रव को भरा जाएगा तो ये द्रव सभी जो ट्यूब्स इसमें से निकले हैं उसमें भी द्रव भरता जाएगा और जब इस फ्लास्क को भर दिया जाएगा हम देखते हैं कि ये सारे ट्यूब्स में जो लिक्विड का लेवल है वो एक समान है। बच्चों यहाँ पे सारे ट्यूब्स में लिक्विड का लेवल एक समान क्यों हुआ ये जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे ना उसमें इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप देख लेते हैं कि इसमें सभी में जो लिक्विड का लेवल है वो एक समान है। अब हम देख रहे हैं कि कोई ट्यूब लंबा है कोई ट्यूब छोटा है लेकिन फिर भी यहाँ पर द्रव का लेवल एक समान है। ठीक है, अब हम इस फ्लास्क में दाब लगाते हैं और ये जो दाब लगाया जा रहा है वो इस प्रकार लगाया जा रहा है कि इसको दबाने से इस फ्लास्क में से लिक्विड लीक ना हो, मतलब जो हम पिस्टन यूज़ करेंगे वहाँ पर वो एकदम एयर टाइट पिस्टन यूज़ करेंगे ताकि केवल वहाँ पे दाब लग सके, वहाँ पे कोई भी लिक्विड का लीकेज ना हो। और जब हम दाब लगाते हैं तो अलग अलग ट्यूब्स में आप सोचिए क्या सभी ट्यूब्स में जो लिक्विड का लेवल है वो एक जैसे होगा
ये किसी में अधिक होगा या किसी में कम। तो आइए इसे करके देखते हैं। अभी हमने इस पर दाब लगाया और हम देख रहे हैं कि सभी ट्यूब्स में लिक्विड का लेवल बढ़ रहा है और सभी ट्यूब में लिक्विड का लेवल एक समान ही हो गया। इसका मतलब जो दाब हमने लगाया वो हर पॉइंट पर, हर बिंदु पर एक समान रूप से संचरित हुआ। अगर एक समान रूप से संचरित नहीं होता तो केवल फ्लास्क के अंदर का लिक्विड दबता, या हो सकता है किसी ट्यूब में लिक्विड का लेवल अधिक हो और किसी में कम, लेकिन यहाँ पर सभी बिंदुओं पर दाब का संचरण एक समान था, इसलिए सभी ट्यूब्स में लिक्विड का लेवल एक जैसे हुआ और ये पास्कल के नियम के अनुसार हुआ। तो चलिए पास्कल के नियम के कुछ अनुप्रयोग देखते हैं जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। वैसे तो पास्कल के नियम के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, पर बच्चों हमारे कोर्स में केवल दो ही दिए गए हैं, तो हम एक एक करके इन दोनों अनुप्रयोगों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले है द्रव चलित लिफ्ट, जिसे हम हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। यदि आपको किसी कार, बस या ट्रक को अपलिफ्ट करना हो, ऊपर उठाना हो, तो सोचिए यहाँ पर बहुत सारे बल की आवश्यकता होगी। इस बल का परिमाण इतना अधिक होगा कि वहां पर आपकी शारीरिक क्षमता जवाब दे जाएगी। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे हाइड्रोलिक लिफ्ट का, जिसमें कम बल का इस्तेमाल करके आप इतने बड़े बड़े व्हीकल्स को आसानी से उठा सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं, और ये संभव हो पाता है पास्कल के नियम के अनुसार। हाइड्रोलिक लिफ्ट में दो सिलेंडर होते हैं। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो अलग अलग है, एक सिलेंडर पतला है और दूसरा सिलेंडर मोटा। अब हमने यहाँ पर दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया के सिलेंडर क्यों लिए हैं, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद देखेंगे। अब ये दोनों ही सिलेंडर्स में हम फ्लूइड भर देते हैं और ये दोनों सिलेंडर्स को एक पाइप के जरिए नीचे से, इसकी तली से जोड़ देते हैं, ताकि ये फ्लूइड आसानी से दोनों सिलेंडर्स में मूव कर सके। और इन दोनों सिलेंडर के में आप देखोगे सिरों पर एक पिस्टन लगा हुआ है, और ये पिस्टन एयर टाइट होगा, मतलब यहाँ से हवा भी नहीं गुजर सकती, ये लिक्विड तो यहाँ से बिल्कुल भी पार नहीं होगा, और ये फ्रिक्शन लेस पिस्टन है, ताकि जब हम इसको दबा रहे हैं तो घर्षण के वजह से अनावश्यक ऊष्मा उत्पन्न ना हो। और इस तरीके से हमने एक व्यवस्था की है जिसे हम द्रव चलित लिफ्ट के नाम से जानते हैं, और इसी व्यवस्था के आधार पर ही हम किसी भी हेवी व्हीकल को अपलिफ्ट कर सकते हैं। जिस व्हीकल को हमें उठाना हो उसे हम इस बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया वाले बेलन के ऊपर रखते हैं और बल इस पतले वाले बेलन के पिस्टन द्वारा लगाया जाता है। मान लीजिए इन बेलन्स के नाम हम दे देते हैं एक्स और वाई। अब मान लीजिए जो एक्स सिलेंडर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम लेते हैं A1, और इस पर जो बल आरोपित किया जाएगा, मतलब नीचे की ओर, इसे हम लेते हैं F1। और ये जो वाई सिलेंडर है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लेते हैं A2, और जब यहाँ से एक्स सिलेंडर पर बल लगाया जाएगा तो ये बल इस वाई सिलेंडर तक पहुँचेगा और इसकी दिशा ऊपर की ओर होगी, यानी ये पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलने का प्रयास करेगा, और इसी के कारण ही ये हेवी व्हीकल ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो इसको हम लेते हैं F2 और इसकी दिशा ऊपर की ओर होगी। अब जो एक्स सिलेंडर है उस पर दाब होगा F1/A1, और वाई सिलेंडर पर जो दाब होगा वो F2/A2। पर पास्कल का नियम ये कहता है कि ये एक ही लिक्विड है जो कि दोनों सिलेंडर में भरे हुए हैं, वो कनेक्टेड है, यानी कि ये एक ही सिस्टम है। तो इसके किसी भी बिंदु पर यदि हम दाब आरोपित करते हैं तो ये दाब एक समान रूप से संचरित होगा। तो जो एक्स सिलेंडर के पिस्टन पर हमने दाब आरोपित किया है वो वाई सिलेंडर के पिस्टन पे आरोपित दाब के बराबर होगा। तो हम इन दोनों दाब को बराबर करते हैं, तो यहां से मिलेगा F1/A1 = F2/A2। और इस समीकरण से हम देखें तो F2/F1 = A2/A1, मतलब इस वाई सिलेंडर में यदि हमें बल के मान को बढ़ाना हो जो कि ऊपर की ओर काम कर रहा है, जो इस व्हीकल को उठाने का काम करेगा, तो राइट हैंड साइड से हम देखें तो A2 का मान A1 के मान से अधिक होना चाहिए। A2 का मान यानी कि इस बेलन के क्रॉस सेक्शन एरिया का मान जो कि वाई बेलन का है
उसका मान एक्स बेलन के क्रॉस सेक्शन एरिया से अधिक होना चाहिए, और इसीलिए हमने जो व्हीकल लिया था उसको मोटे वाले बेलन के ऊपर लिया था और पतले वाले बेलन के ऊपर से हमने बल आरोपित करना शुरू किया था। और इस प्रकार यदि F2 का मान बहुत अधिक करना हो तो A2 का मान भी A1 की तुलना में अधिक होना चाहिए। और इस प्रकार हम कम बल लगाकर भी हैवी व्हीकल्स को आसानी से ऊपर की ओर उठा सकते हैं। बच्चों, जब हम किसी भी व्हीकल्स के शोरूम में जाते हैं और देखते हैं कि इतना हेवी व्हीकल ऊपर की ओर उठा हुआ है, डेमोन्स्ट्रेशन के लोग ऊपर उठाकर दिखाते हैं, या कार सर्विसिंग कराने जाते हैं वहाँ पर भी सर्विसिंग करने के लिए ये हेवी व्हीकल्स को उठाते हैं, तो इस प्रकार के ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसकी सहायता से आसानी से कम बल लगाकर भी हैवी व्हीकल्स को ऊपर की ओर उठाया जा सकता है। अब पास्कल के नियम का अगला अनुप्रयोग है द्रव चलित ब्रेक, यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक। बच्चों, आपने देखा है कि हम बड़े बड़े गाड़ियों में आसानी से एक ब्रेक पैडल की सहायता से उसके चक्कों को रोक सकते हैं, ब्रेक लगाकर उसकी गति को विराम कर सकते हैं। आपने ब्रेक पैडल तो देखा है बच्चों, छोटा सा ही होता है, और जब हम उसे अपने पैर की सहायता से दबाते हैं तो कितनी भी गति में चलने वाला व्हीकल रुक जाता है, उसके चक्के विराम अवस्था में आ जाते हैं। जबकि हम साधारणतः किसी घूमने वाले चक्के को रोकने का प्रयास करें तो उसमें बहुत बल की आवश्यकता होगी। यदि आप अपने हाथ से रोकने की कोशिश करें ऐसे चक्कों को, तो आपको चोट लग जाएगी, आप कभी भी उसको आसानी से नहीं रोक पाएंगे। लेकिन जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम देखते हैं इतने फास्ट मूविंग व्हीकल को हम सिर्फ पैडल में पैर रखकर हल्के से दबाकर भी उसको रोक लेते हैं। तो यहाँ पर पास्कल का नियम काम करता है। अब इस नियम के अनुसार चक्कों को कैसे रोका जाता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा व्हीकल का कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ब्रेक वाला। वैसे ब्रेक का कंस्ट्रक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बच्चों, पर हम व्हीकल के आधार पर स्टडी नहीं कर रहे हैं, ये ब्रेक किस प्रकार काम करता है केवल हमको उतना ही पढ़ना है। आपने देखा होगा बच्चों, इस प्रकार टायर रहता है और ये जुड़ा हुआ रहता है, इसकी जो टायर की रिम रहती है बीच में सेंट्रल सपोर्ट से जुड़ी हुई रहती है, और जो ब्रेक सिस्टम रहता है वो इस प्रकार ब्रेक शू के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये दोनों ब्रेक शू के बीच में एक स्प्रिंग रहता है, जब चक्का घूम रहा होता है अब उसे रोकना हो, ये दोनों ही ब्रेक शू इन चक्कों के सरफेस से सतह से चिपक जाते हैं और इसी के कारण इनकी गति का विरोध करते हैं और चक्का रुक जाता है। जैसे ही बल को हटाया जाता है तो ये जो स्प्रिंग जुड़ी हुई है, स्प्रिंग की सहायता से ब्रेक शू वापस अपनी अवस्था में आ जाते हैं और चक्का फिर से घूमना चालू कर देता है। तो ये ब्रेक शू में इस प्रकार बल कैसे लगाया जाता होगा, यहाँ हम इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। बच्चों, ये ब्रेक पैडल है और ये ब्रेक लीवर है, मतलब जिससे हम पैडल को मूव कर सकते हैं, और ये मास्टर सिलेंडर है। इस मास्टर सिलेंडर में फ्लूइड भरा होता है और यही फ्लूइड ही दाब एग्जर्ट करता है, और इसे दाब के कारण ही हम देखेंगे कि ये ब्रेक शू फैलता है। ये पाइप के जरिए ब्रेक सिलेंडर से जुड़ा हुआ है, और ये जो ब्रेक सिलेंडर है ये दो ब्रेक शू से जुड़े हुए हैं, और ये पहिया है, व्हील रिम है। अब जब हम ब्रेक लगाते हैं इस प्रकार, तो जो मास्टर सिलेंडर में ब्रेक ऑयल है उस पर दाब आरोपित होता है, और पास्कल के नियम के अनुसार ये दाब इस फ्लूइड के, इस लिक्विड के हर बिंदु पर एक समान होगा। तो जो दाब यहाँ पर आरोपित किया है वही दाब एग्जैक्टली इस ब्रेक सिलेंडर के अंदर मौजूद फ्लूइड पर भी काम करेगा, और इसके कारण ये ब्रेक शू को प्रेस कर देगा बाहर की ओर, और ये ब्रेक शू इस व्हील रिम में जाकर चिपक जाएंगे और इसके कारण इस पहिए की गति रुक जाएगी। वैसे बच्चों, यहाँ पर हमने केवल एक ही व्हील के साथ लेकर पास्कल के नियम का अनुप्रयोग को समझा, लेकिन किसी फोर व्हीलर की बात करें तो उसमें चार चक्के होते हैं, पर वहाँ पे भी मैकेनिज्म यही है। इस प्रकार पाइप के जरिए ही जो मास्टर सिलेंडर है उसका फ्लूइड बाकी चक्कों के ब्रेक शू से जुड़ा हुआ होता है, और जब मास्टर सिलेंडर के फ्लूइड पर दाब आरोपित किया जाता है तो ये दाब चारों चक्कों में समान रूप से वितरित होता है, और इसलिए हम देखते हैं कि वो चक्के आसानी से रुक जाते हैं, और इस प्रकार हाइड्रोलिक ब्रेक्स काम करते हैं।
बच्चों ये फोर व्हीलर की बात नहीं कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं माइनिंग वगैरह में, जो बहुत ही हैवी होते हैं, वहाँ पर भी इसी प्रकार के हाइड्रोलिक ब्रेक का इस्तेमाल करके मशीन की गति को कंट्रोल किया जाता है। अब हम द्रव स्थैतिक विरोधाभास के बारे में जानते हैं, जिसे हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं। यदि हमने अलग अलग आकार के इस प्रकार से बर्तन लिए हैं और सब की तली को हम एक पाइप से जोड़ दें और उसके बाद इसमें हम कोई द्रव डालें, मान लीजिए हम इसमें जल ही डाल रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इन सभी बर्तनों में जो जल का लेवल होगा वो एक ही होगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इन सभी कंटेनर में जो जल का लेवल है वो एक समान है, और यहाँ पर एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ये जल प्रवाहित भी नहीं हो रहा है क्योंकि उनके लेवल एक समान है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने देखा कि किसी भी द्रव में जो दाब होता है वो उसकी स्वतंत्र पृष्ठ से गहराई पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे सभी की स्वतंत्र पृष्ठ एक ही हाइट पे है, तो यदि हम इसके तलों को देखें तो सभी पर समान दाब होगा, और जब दाब में कोई अंतर नहीं होगा तो द्रव भी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में प्रवाहित नहीं होंगे। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी आकार आकृति का हम कंटेनर ले लें, लेकिन उनमें जो तल है द्रव का वो एक समान ही होगा। इसका मतलब जो दाब है वो आकृति आकार पर बर्तन के निर्भर नहीं करता, और इसी को हम कहते हैं द्रव स्थैतिक विरोधाभास, यानी हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स।